और अपने सुंदर दोहे सुनाए, उसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे साथ अब अगली हमारी साहित्य साधिका कवित्री जुड़ चुकी हैं, चित्तौड़गढ़ देहरादून जी उत्तराखंड से आदरणीय डॉली डबराल जी जुड़ी हैं, और 1975 से ये लेखन की दिशा में प्रयासरत हैं। इनकी पहली रचना 1986 में जनसत्ता में प्रकाशित हुई और नए हस्ताक्षर के रूप में सम्मानित हुई। अनेकों काव्य संग्रह एवं पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं डॉली जी की। और इनके विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आप सभी को बताना चाहेंगे, वो तथ्य है कि इनका उद्देश्य है कि उनकी साहित्य साधना है कि ये अपनी पुस्तकों के विक्रय से जो भी राशि प्राप्त होती है उससे निर्धन और मेधावी छात्रों को के लिए उस राशि का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके उनको उच्च शिक्षा का उनके लिए प्रबंध करती हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। इनको बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं और अपना अपना सारा जीवन अब इनका समाज सेवा और साहित्य साधना को समर्पित है। तो ऐसी गुणी प्रतिभा की धनी आदरणीय डॉली डबराल जी देहरादून से हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉली जी इस जी, पटल पर। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल साफ जी है आपकी जी आवाज। तो मैं सबसे पहले आदरणीय एन चंद्र जी द्वारा आयोजित वाणी माँ भारती संगोष्ठी में आज प्रथम बार प्रतिभागिता का सुअवसर मिला। थोड़ा सा मुझे जुड़ने में कष्ट हुआ क्योंकि मैं मोह नहीं त्याग सक रही थी संध्या जी को सुनने का, और भारत की सभी महान विभूतियों और साहित्य साधिकाओं के लिए जो इतना अच्छा कार्यक्रम एन चंद्रा जी कर रहे हैं उसके लिए उनका हार्दिक आभार सबसे पहले। और आज की अध्यक्षता कर रहे हरीश नवल जी का, श्री नरेश चंद जोशी जी का, नीलम वर्मा जी का, आभा चौधरी जी का, नीता जोशी जी का, सभी का मैं आज अभिनंदन करती हूँ। और बेहतरीन एवं कुशलता पूर्वक अनोखे अंदाज में संचालन की बागडोर थामे हुए रीता अदा जी का भी बहुत बहुत आभार। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आपको देखकर वैजंती माला की याद आ जाती है, हूबहू वही चेहरा है। तो मैं इसी के साथ गोष्ठी का प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले हमारे सामने एक ये चुनौती होती है कि हम अपनी कलम से क्या लिखें, जी तो उसी पर एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। जी स्वागत है। प्रियवर ने एक कलम भेंट की, प्रियवर ने एक कलम भेंट की, किस किस की क्या बात लिखूं। प्रियवर वाह ने एक कलम भेंट की, किस किस की क्या बात लिखूं, कदम कदम पर एक कहानी, पत्थर के जज्बात लिखूं। ओह लाल बाल या पाल अटल पर, लाल बाल या पाल अटल पर फिर से कोई लेख लिखूं, या इन उगते जय चंदों पर तीखे से आक्षेप लिखूं, क्या बात है, या बहुत इन सुंदर। उगते जय चंदों पर तीखे से आक्षेप लिखूं, नारी के उगते पंखों पर, क्योंकि महिला दिवस की ओर हमारा कार्यक्रम जा रहा है। आज की जी मेरी रचनाएं जो होंगी वो ज्यादातर महिलाओं पर ही होंगी। जी नारी के उगते पंखों पर या कलियों की चीखों पर, बर्फीली चोटी पर लड़ते फौजी की तकदीर लिखूं, कोई अफसाना लिखूं, कोई अफसाना लिखूं या मिथ्या गुणगान करूं, कोई अफसाना लिखूं या मिथ्या गुणगान करूं, हृदय के उद्गार लिखूं या फेर पलट कर वार करूं। क्या बात है, बहुत सुंदर मन अभिव्यक्ति। में है शंकाएं उपजी, मन में है शंकाएं उपजी, कौन करीबी कौन अकिंचन, चेहरे पर चेहरे ओढ़े सम्मुख दिखते सारे सज्जन, चेहरे पर चेहरे ओढ़े सम्मुख दिखते सारे सज्जन। नीड़ ढूंढती चिड़िया परिया, नीड़ ढूंढती चिड़िया परिया, धवल तुंग शिखरों पर लिखूं, नीड़ ढूंढती चिड़िया परिया, धवल तुंग शिखरों पर लिखूं, सूखे खलिहानों पर या फिर बेबस कृषक की पीर लिखूं। मैं दुविधा में बैठी सोचूं, रीता जी सुनिएगा, मैं जी दुविधा जी में बैठी सोचूं, कलम उठा लूं या धर दूं, राज बताऊं उनके सबको या उनके जख्मों को ढक दूं, वाह तुम ही कहो,
तुम ही कहो इस नई कलम से व्यथा लिखूं परी कथा लिखूं। तुम ही कहो इस नई कलम से व्यथा लिखूं परी कथा लिखूं, जो तुम हो चाहो हो जाऊं मैं, या जैसी हूं वही दिखूं, या जैसी हूं वही दिखूं, या जैसी हूं वही दिखूं। अप्रतिम अप्रतिम, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर रचना और बहुत शानदार अभिव्यक्ति, बहुत गुण गुणता लिए हुए आपकी ये रचना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। और दूसरी कविता मैं बिल्कुल आज की इतनी खूबसूरती से संचालन कर रही और आज की हमारी एक विशेष मेहमान डॉक्टर रमा सिंह को समर्पित करती हूँ, और आज इस पटल पर जितनी भी महिलाएं हैं उनको समर्पित करती हूँ, ये कहीं ना कहीं उनके सम्मान के लिए है। जी, स्वागत। कविता का शीर्षक है पायदान। पायदान में नहीं किसी की, पायदान में नहीं किसी की, न चौखट पर पड़ी हुई हूँ, न दुत्कारे कोई मुझको, अपने दम पर खड़ी हुई हूँ। क्या बात है। पायदान में नहीं किसी की, न चौखट पर पड़ी हुई हूँ, न दुत्कारे कोई मुझको, अपने दम पर खड़ी हुई हूँ। तुंग शिखर की बर्फ नहीं मैं, तुंग शिखर की बर्फ नहीं मैं, दिन कर मुझको पिघला डाले, नन्ही सी एक बूंद नहीं मैं, नदियां पोखर भी बहला ले। तुंग शिखर की बर्फ नहीं मैं, दिनकर मुझको पिघला डाले, नन्ही सी एक बूंद नहीं मैं, नदियां पोखर भी बहला ले। आंधी नहीं नहूं झक्कड़ सी, आंधी नहीं नहूं झक्कड़ सी, क्षण भर आकर जोख हो जाए, मैं हूं एक बूंद ओस की, हर एक मन को जो ललचाए, हर एक मन को जो ललचाए। पहले थी, गौर फरमाएं अगर संध्या जी हैं यहाँ पर, तो पहले थी कठपुतली सबकी, पहले थी कठपुतली सबकी, खींची डोर नचाई जैसे, खेल खिला और नचा नचा कर, जो चाहे मुझको बहला ले, जो चाहे मुझको बहला ले। नहीं रही अब चेरी तेरी, नहीं रही अब चेरी तेरी, एक टेर पर दौड़ी आऊं, न रोको न टोको मुझको, बिना बात क्यों बिछती जाऊं, न रोको ना टोको मुझको, बिना बात क्यों बिछती जाऊं। नहीं रुक्ष प्रस्तर की प्रतिमा, नहीं रुक्ष प्रस्तर की प्रतिमा, रोली बिंदिया मन ललचा दे, नहीं रुक्ष प्रस्तर की प्रतिमा, रोली बिंदिया मन ललचा दे। स्नेह नहीं तो व्यर्थ सभी कुछ, स्नेह नहीं तो व्यर्थ सभी कुछ, चाहे कुंदन कौर खिला दे, चाहे कुंदन कौर खिला दे। ताजा सी हूँ मैं एक पुरवा, ताजा सी हूँ मैं एक पुरवा, इत उत डोले और हर्षाए, इत उत डोले और हर्षाए, बने एक सुरभित सा झोंका, आंगन में जीवन महकाए, आंगन में जीवन महकाए। अंतिम बंद पेश कर रही हूँ, आप ही को समर्पित है। कदम मिलाकर साथ चलो तो, कदम मिलाकर साथ चलो तो, चल सकती हूँ संग तुम्हारे, कदम मिलाकर साथ चलो तो, चल सकती हूँ संग तुम्हारे, लेकिन रखना याद मान धन, लेकिन रखना याद मान धन, जीता बस सम्मान सहारे, जीता बस सम्मान सहारे, जीता बस सम्मान सहारे। इसी बहुत, के बहुत सुंदर और गहरी रचना, बहुत सुंदर, और आपकी शायद मित्र वगैरह भी जुड़ी हुई हैं, और अभी उनके कमेंट्स आ रहे थे, चले गए। अजय ज्ञात जी जुड़े हुए हैं, नीता जोशी जी, सभी आपकी रचना को सराह रहे हैं और बहुत पसंद की जा रही है, उत्कृष्ट रचना लिख कर आ रहा है। तो बहुत बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्ति दी अपने शब्दों को, बहुत बधाई। और अब और आप क्या प्रस्तुत करना चाहेंगी? जी, इसी के साथ मैं यशोधरा का विश्वास जी जी डॉक्टर विद्या सिंह हैं, बहुत बड़ी कवियत्री हैं, देहरादून की मानी हुई, उनको भी प्रणाम करती हूँ, सभी जुड़े हुए लोगों को प्रणाम करती हूँ। यशोधरा पर आपको मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी कि यशोधरा जो है वो छोड़कर जाने पर क्या कहती है, और उसके बाद दो कविताएं हैं, दोनों एक के साथ जुड़ी हुई हैं। जी, यशोधरा कहती है, विश्वास पूरा है कि एक दिन लौट आओगे, विश्वास पूरा है कि एक दिन लौट आओगे। ये भारतीय स्त्री का
एक चरित्र होता है कि वो कभी विश्वास नहीं करती कि उसका पति उसे छोड़कर सदा के लिए चला गया। जो जवान भी लड़ रहे होते हैं तो उनकी भी पत्नियों को ये रहता है कि शायद कभी लौट आए वो। तो उसी तरह से मैंने ये कविता बनाई है। विश्वास पूरा है कि एक दिन लौट आओगे, मूंद कर दो चक्षु पक्षी, जाल से कब बच सका है। मूंद कर दो चक्षु पक्षी, जाल से कब बच सका है, द्वार देहरी छोड़कर मानुष भला कब जी सका है। द्वार देहरी छोड़कर मानुष भला कब जी सका है, बैठी हूं कितने प्रहर से, बैठी हूं कितने प्रहर से, आस की थामे शलाखा, इस निराशा के तिमिर को तुम स्वयं ही पोंछ डालोगे। विश्वास पूरा है कि एक दिन लौट आओगे, विश्वास पूरा है कि एक दिन लौट आओगे। कब बहुत उदय का सुंदर। भान देगा, कब उदय का भान देगा, डूबता सा नीरस दिवाकर, क्या कभी मैं जान पाऊंगी, क्या कभी मैं जान पाऊंगी, विदाई का तुम्हारी कोई एक कारण, कभी तो मूंद कर पलकें बीते पलों की, कभी तो मूंद कर पलकें बीते पलों की थाह तुम लोगे। क्या संभव है कि पश्चाताप कर नेह पत्रक बाँच तुम लोगे, क्या संभव है कि पश्चाताप कर नेह पत्रक बाँच तुम लोगे, विश्वास पूरा है कि एक दिन लौट आओगे। फिर वह कहती हैं, कभी तो वह किला भी ध्वस्त होगा, कभी तो वह किला भी ध्वस्त होगा जो खड़ा है भींच कर तुमको, दिया एकांत का सुख और करता दूर फिर सबको, कभी तो ज्ञान के हुंकार का भी लावा फूटेगा, कभी तो ज्ञान के हुंकार का भी लावा फूटेगा, पिघल कर जब बहेगा तब स्वयं से मोह छूटेगा, उसी दिन प्रेम बंधन को स्वयं स्वीकार कर लोगे। वो कहती है, उसी दिन प्रेम बंधन को स्वयं स्वीकार कर लोगे, विश्वास पूरा है कि एक दिन लौट आओगे। कभी तो बर्फ पिघलेगी, कभी तो बर्फ पिघलेगी, जमी जो परत बनकर काई सी दम संवेदना पर तेरी, जो तुमने ओढ़ ली थी खुद पर, कठिन संकल्प ले भरे मझधार में मैंने स्वयं ही छोड़ दी नौका, कभी तो पार उतरेगी या स्वयं तुम ही उतारोगे, विश्वास पूरा है कि एक दिन लौट आओगे। नेह के उद्गार को क्या कभी ना देख पाए थे, यशोधरा उनसे अपने कल्पना में पूछती है, नेह के उद्गार को क्या कभी न देख पाए थे, प्रेम के अनुस्वार को भी क्या कभी न जान पाए थे, सपन देखे मैंने, दे सपन देखे थे मैंने, गोद में खिलता नवांकुर, गोद में खिलता नवांकुर, गो दिया था तुमने कभी जो, बो दिया था तुमने कभी जो, कर्तव्य का अनुहार होकर फूट पड़ने को, गोद में मेरी हुआ जो तत्पर, छोड़कर तुम तो चले थे, छोड़कर तुम तो चले थे मोह के बंधन को तजकर, छोड़कर तुम तो चले थे मोह के बंधन को तजकर, देह कांपी थी मेरा सर्वांग कुमलाया तभी था, देह कांपी थी मेरा सर्वांग कुमलाया तभी था, आज भी बैठी हूं उसी अनुयोग की एक आस लेकर, आज भी बैठी हूँ उसी अनुयोग की एक आस लेकर, गोद में लेकर यशोधर को तुम झुलाओगे, गोद में यशोधर को लेकर तुम झुलाओगे, विश्वास पूरा है कि एक दिन लौट आओगे, विश्वास पूरा है कि एक दिन लौट आओगे। और इसी के साथ एक बहुत दिन सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जब बहुत सुंदर। उनकी साधना सफल होती है गौतम की, तो वो अपना गुरु वचन भूल जाते हैं कि उन्हें भिक्षा मांगकर ही खाना है, और सुजाता नाम की एक स्त्री उनके लिए खीर का कटोरा लेकर आती है और वो खा लेते हैं, और उनकी वो तपस्या भंग होती है, और उसके बाद उन्हें फिर से भिक्षा मांगने जाना पड़ता है। तो वो सोचते हैं कि मैं पहले एक बार जाऊं उसी घर पे अपने और वहां से भिक्षा लेकर आऊं। तो ये एक कविता उसी के साथ है जो यशोधरा कहती है, चुपके चुपके धीमे धीमे, चुपके चुपके धीमे धीमे, न कोई दस्तक न झंकार, ढेरों प्रश्न लिए नयनों में, जोगी आया उसके द्वार।
चुपके चुपके धीमे धीमे ना कोई दस्तक ना झंकार, ढेरों प्रश्न लिए नयनों में जोगी आया उसके द्वार। आहिस्ता पट खोले उसने, आहिस्ता पट खोले उसने, बंद पड़े जो वर्षों से दिल के तारों को झंकृत कर, सपनों को करते साकार, सपनों को करते साकार। जिज्ञासावश उसने पूछा, जिज्ञासावश उसने पूछा, चाह रहे हो क्या भिक्षुक। जिज्ञासावश उसने पूछा, चाह रहे हो क्या भिक्षुक, बिन आहट के क्यों आए हो, किस बात के हो इच्छुक। निर्निमेश देखा भिक्षुक ने, निर्निमेश देखा भिक्षुक ने, यशोधरा के सूने पांव, एक शब्द ना बोला मुख से, पहचान रहा था उसका ठाव। सहमी सहमी हिरणी जैसे देखे उसको थी अविराम, कहां और कब देखा उनको, खूब मन में खूब मची थी रार। यशोधरा सोचती है कहाँ देखा है मैंने, क्योंकि तो बरसों से गए हुए हैं वो। अन्न चली जब देने उनको, फिर ठिठकी थी भीतर द्वार, तनिक सोच कर अंदर भागी, अंक लिए राहुल का भार। भिक्षा में शिशु डाल झोली में, भिक्षा में शिशु डाल झोली में, हृदय में लिए हाहाकार, यशोधरा ने पल में लौटाया गौतम का अंतिम उपहार, गौतम का अंतिम उपहार। फिर कहती है, पितृविहीन था शिशु जगत में, पितृविहीन था शिशु जगत में, शरणागत अब तेरे मार्ग, तेरा तुझको किया है अर्पण, मुझ पर तेरा था उपकार, मुझ पर तेरा था उपकार, मुझ पर तेरा था उपकार। बहुत बहुत ही गहराई और गुणता लिए हुए आपकी ये दोनों रचनाएं, और बिल्कुल इसके लिए तो हम शब्द नहीं है, बहुत ही गहरी रचनाएं आपकी दोनों, बहुत सुंदर, बहुत भाव विभोर कर देने वाली रचनाएं, बहुत सुंदर लिखा है आपने। बहुत बहुत बधाई आपको इतनी सुंदर अभिव्यक्ति और रचना के लिए। और सभी लोगों के धन्यवाद कमेंट्स बहुत। भी आ रहे हैं, नीता जोशी जी, अजय अज्ञात जी और रामा सिंह जी, सभी शब्द मौन है, सभी आपकी, विद्या सिंह जी आपकी मित्र हैं शायद, सभी आपकी तारीफ कर रही हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सब बिट्टू जैन जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत 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 धन्यवाद बिट्टू जैन जी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कि आप लोग लगातार बने हुए हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और अभी और भी सुंदर रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत होंगी जी। बहुत स्वागत जी, है एक और आपका। प्रेम की श्रृंगार की रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, अनुराग की परिकल्पना, कि स्त्री जो है वो क्या सोचती है, क्योंकि आज महिला दिवस के लिए ये विशेष तौर पर आयोजित की गई है, बहुत तो एक धन्यवाद छोटी सी अजय अज्ञात अनुराग जी, बहुत की। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, सभी का मैं शुक्रिया बाद में करूंगी, क्योंकि मेरा समय पहले ही बहुत जा चुका है। तो एक छोटी सी कविता और प्रस्तुत कर रही हूँ, अनुराग की परिकल्पना। बस तेरा एक स्पर्श सिहरन सी भरेगा, बस तेरा एक स्पर्श सिहरन सी भरेगा, और मेरे हर रोम में स्वप्न नूतन से रचेगा। जल उठेंगी शबल सी चिंगारियां मेरे बदन में, जल उठेंगी शबल सी चिंगारियां मेरे बदन में, गूंज उठेंगी अचक शहनाइयां मेरे हृदय में। प्रेम की जग जाएंगी मृत हो चुकी जो कोशिकाएं, भावों के सैलाब में धुल जाएंगी कुछ कलुषताएं। फिर से अंकुरित हो उठेंगे बीज कुछ हरित माँ के, चटकेंगे और खिल उठेंगे, चटकेंगे और खिल उठेंगे कंटक भरे पथ प्रियतमा के, कूक जाएंगी नए गीतों की मधु किलकारियां, और फना हो जाएंगी मिलने की भी दुश्वारियां। रूढ़ी के पुरातन चलन की मुझको मिली जो वर्जनाएं, तोड़ दूंगी आज मैं थोथली सी मान्यताएं। बस तेरे एक स्पर्श से अनुरक्त हो तुझको तकूंगी, बस तेरे एक स्पर्श से अनुरक्त हो तुझको तकूंगी, अनुराग की परिकल्पना उन्मुक्त हो
फिर से रचूंगी अनुराग की परिकल्पना, उन्मुक्त हो फिर से रचूंगी अनुराग की परिकल्पना, उन्मुक्त हो फिर से रचूंगी। और इसी के साथ छोटी छोटी दो रचनाएं हैं जो मैंने, एक दृष्टिहीन व्यक्ति का प्रश्न है और उसको जो दृष्टि युक्त है वो क्या जवाब देता है, ये एक नया मैंने प्रयोग किया है। आशा है कि हमारी सभी यहाँ पर विदुषियों को पसंद आएगा। जी स्वागत है। दृष्टि युक्त का दृष्टिहीन से प्रश्न है, भावों के सागर तो गहरे, भावों के सागर तो गहरे, ब्रेल लिपि से पढ़ पाओगे। वो उस पर सटायर करता है कि भावों के सागर तो गहरे, ब्रेल लिपि से पढ़ पाओगे, छूकर ब्रेल तो शब्द पढ़ोगे, मुख मुद्रा कैसे जानोगे, मुख मुद्रा कैसे जानोगे। तारक चंद्र सूर्य लतिकाएं, सुमनों की अनुपम कंछाएं, बिन नेत्रों के नहीं दिखती, नील गगन घनघोर घटाएं। क्या बात, बिन चक्षु के कैसे किसने, बिन चक्षु के कैसे किसने, हृदय की पीड़ा जानी है, नहीं जरूरी स्पर्श किसी का, दिल को छूते प्रथम नयन है। स्पर्श गंध का क्षणिक असर है, स्पर्श गंध का क्षणिक असर है, दृग सर्वथा श्रेष्ठ अंग है, इनके हर एक स्पंदन में सारे शामिल सारे संवेदन है, मात्र पलक की झपकी भर में, मात्र पलक की झपकी भर में असंख्य इशारे अर्थपूर्ण है, शब्द रचाते कई समस्या, नयन मिलन सर्वोच्च प्रणय है, नयन मिलन सर्वोच्च प्रणाम है। अब जो दृष्टिहीन है उसका उत्तर सुनिए कि किस तरह से उसने प्रेम को परिभाषित किया है। वो कहता है, रोम रोम में बसता हो जो, रोम रोम में बसता हो जो, भावों की फिर क्या आवश्यकता, रोम रोम में बसता हो जो, भावों की फिर क्या आवश्यकता, स्पर्श बहुत कुछ कह देता है, नयनों से फिर कैसा रिश्ता, नयनों से फिर कैसा रिश्ता। फूलों भरी सेज न हो तो, फूलों भरी सेज न हो तो क्या ममता मधुमास नहीं है, फूलों भरी सेज न हो तो क्या ममता मधुमास नहीं है, एक चंद्र के न होने से क्या सजता आकाश नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाल कृष्ण की अद्भुत लीला, बाल कृष्ण की अद्भुत लीला सूरदास ने खूब रची थी, पश्चिम के हेलन मिल्टन के सप्त सुरों की धूम मची थी, बाहर के नयनों से ज्यादा, बाहर के नयनों से ज्यादा अंतर्दृष्टि अधिक सुंदर है, तन यदि हो जाए कुरूप तो हृदय तो रहता कुंदन है, हृदय तो रहता कुंदन है। अब वो अंत में कहता है, प्रेम यदि शाश्वत होगा तो, प्रेम यदि शाश्वत होगा तो वही मनुज का अभ्यर्पण है, बाह्य सौंदर्य है सदा अनर्गल, आत्ममिलन ही परितर्पण है, आत्ममिलन ही परितर्पण है, आत्ममिलन ही परितर्पण है, आत्ममिलन ही परितर्पण है। बहुत सुंदर प्रस्तुति और आपकी रचनाएं इतनी शानदार हैं और इतनी सुंदर अभिव्यक्ति है आपकी कि सभी आपकी रचनाएं सुनकर अभिभूत हो गए। और आपने यशोधरा और बुद्ध की रचनाएं सुनाई, दो रचनाएं, और एक कुछ हमने भी उस पे लिखा है जो आपकी उस रचना को सुनकर हमें याद आ गया। आपको समर्पित करते हैं ये चंद पंक्तियां कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है एक स्त्री का घर परिवार को त्याग कर यूं ही चुपचाप किसी रात सत्य की खोज में निकल जाना। हजारों उंगलियां, अनेक लांछन, कई प्रश्नवाचक निगाहें और विष बुझे शब्द बाण हर पल पीछा करते हैं उसका और छलनी कर देते हैं उसका अस्तित्व। विश्वास देना तो दूर, वरन अथाह पीड़ा और कई आरोप उपहार स्वरूप देकर लांछित किया जाता है उसे। पूरी मानवता खड़ी हो जाती है उस एक अकेली के विरुद्ध उसकी सत्य की खोज की राह में।
इसलिए बुद्ध होना आसान हो सकता है, इसलिए बुद्ध होना आसान हो सकता है किंतु स्त्री होना। ये हमारी रचना इस प्रश्न के साथ खत्म होती है। आपकी रचना को देखकर सुनकर तो हमें भी जो हमने लिखी थी आपके सामने प्रस्तुत की वो रचना, आशा है आपको पसंद आई होगी हमारी रचना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। थोड़ा सा मुझे संध्या जी का मोह नहीं छोड़ पाई, इसलिए जुड़ने में कठिनाई हुई। पुनः एक बार सभी श्रोताओं का मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ।